तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। तो गाइस, आप लोगों ने बोला था कि मेटल और प्लास्टिक का भी लाओ, तो उस चक्कर में ये वीडियो हम बना रहे हैं। और ये है गाइस मेरा मेटल का लॉन्चर सेटअप। आई नो मेरे पास मेटल का लॉन्चर सेटअप ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू बर्स्ट। और यस, मेटल के लॉन्चर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, पता नहीं गाइस क्यों, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा पड़ते हैं शायद इसलिए। तो गाइस, इससे पहले इसमें आगे बढ़े मैं यही बोलना चाहूंगा हमेशा की तरह, अगर इस चैनल पे नए हो तो मारो फटाक से सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार ऐसे अमेजिंग वीडियोस डेली बनाने का। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बनता है, कर देना। ठीक है, मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप लोग कर दोगे मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें अब आप लोग देख लेना। तो गाइस, अभी इन लॉन्चर्स वगैरह पे आते हैं। तो ये है गाइस कुछ लॉन्चिंग सेटअप्स, तो मैं पहले बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये दो लॉन्चर्स आते हैं जो आप डेली नॉर्मली वीडियोस में देखते हो, ये नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ। और ये यूज़ करने वाले हैं कि मतलब ज़्यादातर बैटल्स के लिए। और ग्रिप रिप वैसे मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ, ग्रिप रिप टूर्नामेंट के हिसाब से या लुक वाइज अच्छी लगती है, बट यार गाइस मुझे ये ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करना ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये एक लेफ्ट है, ये एक राइट है, एकदम नॉर्मल जैसे लेफ्ट राइट लॉन्चर रहते हैं वैसे ही है, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। तो ये दो हैं गाइस। और गाइस, इसके बाद एक ये अपने पास आ जाता है, एक और स्ट्रिंग लॉन्चर है मेरे पास, राइट स्पिन है ये भी ऑब्वियसली, बट गाइस इसमें स्पेशल ये है, ये लॉन्चर थोड़ा सा स्पेशल है, ये खराब हो गया था, मैंने इसको फिक्स किया, आप देख सकते हो क्या हाल हो गए हैं इसके, क्योंकि इसका स्क्रू ऐसा हो गया था ना एक टाइम पे कि निकल ही नहीं रहा था, और मैंने फिर तोड़ ताड़ के इसका स्क्रू निकाला, इसलिए देखो अभी भी सही से बंद नहीं हुआ ये। और गाइस, मैंने इसको सिर्फ बचाया है इसके स्टिकर्स की वजह से, क्योंकि ऐसे स्टिकर आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा मतलब वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग लॉन्चर मैंने खरीदा था वो है, इसलिए मैंने इसको अभी तक बचा के रखा। इसका स्ट्रिंग टूट गया था, मैंने स्ट्रिंग रिप्लेस कर दिया, अभी बहुत सही है, यूजेबल है, बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि खराब हो जाएगा, और पहले मैंने यूज़ किया इसलिए खराब हो गया था, तो इसलिए अब इसको संभाल के रखता हूँ। उस पर पेगासस वगैरह बना हुआ है गाइस, तो इस चक्कर में इसको सेफ्टी से रखा हुआ है, यहाँ जिंगा बना हुआ है, यहाँ पेगासस, और ये पेगासस का फेस वगैरह बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लॉन्चर है। तो यस गाइस, ये एक हो गया। और उसके बाद गाइस, यूज़ करने में मुझे एक ये ग्रिप लॉन्चर सबसे बेहतरीन लगता है सेटअप, क्योंकि गाइस ये सबसे छोटा सेटअप है और एक्चुअली में ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये है एक्वेरियो का सेटअप, तो विंड एक्वेरियो के लिए बनता है गाइस, एनिमे में भी यही दिखाया गया था। तो मुझे यार ये क्यों पसंद है, क्योंकि इसको ऐसे पकड़ो तो बहुत अच्छा फील देता है, एकदम तगड़ा ग्रिप देता है। मुझे इन सब ग्रिप्स में से सबसे अच्छी ग्रिप अगर कोई पकड़ने में लगती है तो यही लगती है, और उसको खींचो तो भाई मज़ा आ जाता है एकदम, आपको बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। ये लॉन्चर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये एक्वेरियो वाला सेटअप। फिर गाइस, यहां पे दो ये लॉन्चर्स आ जाते हैं जो कि ऑब्वियसली एलआर लॉन्चर्स में, ये दो लिमिटेड एडिशन लॉन्चर्स आए थे। तो ये है गाइस ट्रांसपेरेंट एडिशन वाला एलआर लॉन्चर, तो आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट लॉन्चर, इसके पार्ट्स आपको थोड़े-थोड़े दिख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट एडिशन ब्लैक लॉन्चर। और गाइस, ये एक ग्रे कलर का एलआर लॉन्चर है। तो यस गाइस, नॉर्मल एलआर लॉन्चर मैंने नहीं रखा हुआ, मैंने इन दोनों के स्पेशल एडिशन अपने पास रखे हुए हैं जो कि काफी सही दिखते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग बताना। तो यस गाइस, ये दो स्पेशल एडिशन लॉन्चर हैं इसलिए इनको रखा हुआ है मैंने पास में अपने। और गाइस, अब ये कुछ चार पांच लॉन्चर ग्रिप्स आती है जिन पे मैं एक एक करके आता हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, ये है एक लेफ्ट लॉन्चर ग्रिप, इस पे एक ग्रिप सपोर्ट हुआ करता था पहले, बट एक बंदा गाइस आया था उसको जरूरत थी तो मुझे उसको देना पड़ गया। तो गाइस, इसमें सिर्फ दो पार्ट मिसिंग है, एक है आपका ये जो यहाँ पे लगता है मेटल असिस्ट, और एक यहाँ लगता है ग्रिप सपोर्ट, वो दो पार्ट इसमें नहीं है। तो बाकी उसके अलावा ये लॉन्चर ग्रिप सेटअप पूरा कंप्लीट है। और गाइस, इस पे ट्रांसपेरेंट लेफ्ट स्पिन लॉन्चर लगा हुआ है, तो वो भी काफी रेयर है, काफी कॉस्टली, तो आसानी से मिलता नहीं, तो ये सेटअप काफी कॉस्टली है। अगर इसमें ग्रिप सपोर्ट और मेटल असिस्ट मिल जाए फिर गाइस ये एकदम तबाही सेटअप बन गया, क्योंकि इसका कीमत काफी ज्यादा है, ऐसा सेटअप बनाना काफी डिफिकल्ट है आज की डेट में। तो ये एक काफी अच्छा लॉन्चर सेटअप है मेरे हिसाब से। फिर गाइस आता है इसके बाद एक ये लॉन्चर सेटअप जो लगभग इसके जैसा ही है, बट इसमें क्या है गाइस, सिर्फ ग्रिप सपोर्ट जो रहता है वो मिसिंग है, तो वो अपने पास नहीं है ग्रिप सपोर्ट, तो उसकी वजह से गाइस ये ऐसा है सीन, ये लगा हुआ मेटल असिस्ट तो है अपने पास, ग्रिप सपोर्ट नहीं है। और गाइस, इसमें कुछ खास चीजें हैं, बट मेटल असिस्ट लगाने से एक दिक्कत क्या जाती है ना, ग्रिप सपोर्ट से आप पूरा ऐसे पकड़ सकते हो, मेटल असिस्ट आने से आप इसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, फिर ये छोटा पड़ जाता है, तो इसके लिए ग्रिप सपोर्ट चाहिए मुझको। तो एक दो तीन एक्चुअली में मुझे ग्रिप सपोर्ट लेने पड़ेंगे और दो मेटल असिस्ट, तो वो तो चलो बात की बात है, वो तो देखा जाएगा। और गाइस, ये लॉन्चर WBBA लॉन्चर, इसकी ग्रिप भी WBBA वाली ग्रीन कलर की है, तो थोड़ा स्पेशल है। फिर गाइस, जैसे इसमें मैं बताना भूल गया, इसमें लॉन्चर रबर लगा रखा व्हाइट कलर का, बट इसमें गाइस लॉन्चर सस्पेंशन लगा रखा, जो कि अपने आप में आसानी से मिलने वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से नहीं मिलता भाई है। फिर गाइस, यहाँ पे लेजर लगी हुई है, और ये एंगल कंपास है जो कि इसमें भी लगा हुआ था, लेजर और एंगल कंपास। कार्ड गाइस इसमें WBBA का लगा हुआ है, बट यहाँ पे जो कार्ड लगा भाई वो खास चीज है, मैं दिखा देता हूँ।
तो गाइस ये कार्ड मेरे को प्रिंट करके दिया था हमारे एक फ्रेंड ने जो है एडी बेब्लेड या अतोनू आप अगर जानते होंगे। अब चूंकि प्रिंटेड कार्ड में एक खराबी है कि इनका प्रिंट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जाने लगता है, तो वो एक खराब चीज है, इसलिए मैं इनको यूज करना प्रेफर नहीं करता, इसे सुरक्षित रख दिया हूं। तो गाइस उन्होंने मेरे लिए ये कार्ड प्रिंट किया था, आप देख सकते हो इसमें दो साइड प्रिंट है, एक साइड मेरा ही है जो लोगो है वो है उसके ऊपर एनोनिमस ब्लेड लिखा हुआ है, दूसरे साइड गाइस मेरा फेवरेट बेब्लेड है जो कि मैंने ये ड्रॉ किया था हाथ से फिर उसके बाद वो प्रिंट हुआ है। तो ये है गाइस डुओ यूरेनस, यहां पे दिखा एनोनिमस ब्लेड, ये है यार सेटअप, ये सेटअप बहुत मुझे मस्त लगता है, बट इसका ग्रिप सपोर्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये गाइस अपने आप में एक बहुत यूनिक सेटअप है। फिर गाइस यहाँ पे एक ये सेटअप आता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, पकड़ने में अच्छा फील होता है। इधर पे गाइस लगा हुआ है बे पॉइंटर, इधर पे लगा हुआ है एंगल कंपास, एक ब्राउन कलर की ग्रिप और रेड कलर का ग्रिप रबड़ इस पे। तो वैसे इस पे सपोर्ट की जरूरत है नहीं क्योंकि ठीक ठाक पकड़ में आ जाता है, अगर सपोर्ट लग जाएगा तो और अच्छा होगा बाय द वे, बट ओवरऑल ये लॉन्चर ठीक है। और इस पे गाइस ये जो लॉन्चर लगा हुआ है, मैं भूल रहा हूँ कि ये फीनिक्स का लॉन्चर है कि बिफॉल का है, अगर किसी को याद हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, बट ये लॉन्चर भी गाइस काफी मुश्किल से दिखता है। और उस पे गाइस जो ये रबर लगा हुआ है रेड कलर का ग्रिप रबर है, तो ये सेटअप भी काफी अच्छा है, इसमें भी वही ग्रिप सपोर्ट और मेटल असिस्ट मिसिंग है। अब गाइस एक ये सिर्फ लॉन्चर सेटअप है जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, और ये आप बताना कैसा लग रहा है, ये द बेस्ट लुकिंग लॉन्चिंग सेटअप है मेरे पास। पूरा गाइस ब्लैकआउट ग्रिप है, ब्लैक लॉन्चर है, और ग्रिप सपोर्ट रेड कलर का है, और ग्रिप रबर ब्लैक कलर की, क्योंकि ग्रिप सपोर्ट गाइस सिर्फ रेड कलर का ही दिखता है तो इसलिए रेड लगा है। मेटल असिस्ट का भी सिंगल ही कलर आता तो मेटल असिस्ट लगा हुआ है, एंगल कंपास भी सिंगल कलर आता तो वही सेम कलर लगा हुआ है। सस्पेंशन गाइस देखो ब्लैक ब्लैक के साथ कैसा लग रहा है, और फिर ये अपना डार्क थीम का पूरा कार्ड लगा हुआ है कस्टम कार्ड, और उसके ऊपर लेजर लगी हुई, लेजर भी गाइस एक ही कलर में आती है तो ऐसा है। तो गाइस ये है सबसे तगड़ा सेटअप जो अपने पास है, जो मतलब एक प्रॉपर कलेक्शन आइटम है। तो गाइस ये है अपने मेटल के लॉन्चर सेटअप, और भाई मतलब थोड़ा वाइड कलेक्शन है मेरा मेटल में, ऑब्वियसली बर्स में इतने ज्यादा नहीं है, प्लास्टिक में तो उससे भी कम है मेरे पास लॉन्चर सेटअप। तो यही कुछ सेटअप्स हैं अपने पास बेसिक से, और अभी क्या करते हैं फटाक से स्टेडियम लाते हैं, इनको एक एक करके ट्राई करके दिखाता हूँ कैसे चलते हैं, और आप लोग फिर बताना आपका फेवरेट लॉन्चर सेटअप इनमें से कौन सा था। तो गाइस अपना स्टेडियम आ गया है, तो पहले हम ये बेसिक वाले ट्राई कर लेते हैं जो दो बेसिक मैं यूजुअली जनरली यूज करता हूँ। तो लाइटनिंग एल ड्रैगो को लॉन्च करेंगे और लियोन को लॉन्च करेंगे। ये गया लियोन गाइस, अब बारी एल ड्रैगो की। तो ऐसा कुछ ये है, ये दोनों बेसिक से लॉन्चर है, मैं जनरली यूज करता हूँ इन्हीं को, बाकी अपने मॉडिफाइड वाले भी यूज करता हूँ। और फिर गाइस एक ये बेसिक सा लॉन्चर आ जाता है अपने पास जो कि अच्छा काफ़ी काम करता है क्योंकि ये मॉडिफाइड हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, इसको सिर्फ स्टिकर की वजह से बचा के रखा था मैंने। और बाकी लॉन्चर्स ट्राई करते हैं जो कि ये वाला भाई बहुत पावरफुल है मेरे हिसाब से। तो ये तो हो गया इसका गाइस खेल ख़त्म ऑलमोस्ट। यार ये बैटल बहुत लंबा चल रहा है, मैं रोक ही देता हूँ। तो ये वाला गाइस मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, ये लॉन्चर सेटअप बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत मस्त है मेरे हिसाब से। और इसके बाद गाइस मैं ट्राई करके दिखाऊंगा आपको कुछ और, ये दोनों एलआर ट्राई करेंगे, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो लाइटनिंग एल ड्रैगो के अगेंस्ट ट्राई करते हैं गाइस, तो आई थिंक ये राइट है। तो लाइटनिंग एल्ड्रैगो वैसे तो हार गया था बट बाहर आ गया, कोई नहीं चलता है। तो ये दोनों भी काफ़ी सही है बट इनका क्या है ना, ये स्पेशल एडिशन है तो इनको बैटल के लिए है नहीं वैसे भी। फिर गाइस ये वाला आता है और ये वाला आता है, ये दोनों ट्राई करते हैं तो चलो हो जाए। तो पहले मैं लियोन को लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब ये वाला फटाक से ट्राई करते हैं, और सस्पेंशन की वजह से गाइस थोड़ा सा स्ट्रिंग अंदर नहीं जाता बट सस्पेंशन काफ़ी आसान बना देता है लॉन्च करना। तो ये देखो हो गया लॉन्च ठीक ठाक, अब इसकी बारी है लियोन की। लियोन का लॉन्च थोड़ा सा वीक हुआ था क्योंकि इसमें प्रॉपर ग्रिप सपोर्ट नहीं है और मेटल असिस्ट की वजह से ना पकड़ नहीं बनती सही से, तो इसमें मेटल असिस्ट के बिना यूज़ मतलब बिना ग्रिप सपोर्ट के यूज़ करना बहुत गलत हो जाएगा। खैर ओवरऑल ठीक है। अब आते हैं गाइस इस वाले लॉन्चिंग सेटअप की तरफ, ये ट्राई करते हैं। तो मैं बेटर लोग देता हूँ, ऑब्वियसली एल्ड्रैगो जीत जाएगा। तो ये वाला भी लॉन्चिंग सेटअप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है और कोई यहाँ पे मेटल असिस्ट वगैरह नहीं लगा तो पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। तो ये अगर बनाना चाहते हो ये काफ़ी हद तक जिंगा का जो लॉन्चिंग सेटअप है उससे मिलता जुलता है। चलो ट्राई करते हैं, ये गया और इसकी बारी है।
अब गाइस इसके बाद आता है वो लॉन्चिंग सेटअप जिसका आप वेट कर रहे थे, जो कि है ये वाला ऑब्वियसली। तो इसको भी हम ट्राई करने वाले हैं यार, और मेरे हिसाब से यार ये काफ़ी तगड़ा लॉन्चिंग सेटअप है। तो ये काफ़ी पकड़ने में और चलाने में प्रीमियम फील देता है, बट पता नहीं क्यों मुझे प्रैक्टिकलिटी इन लॉन्चिंग सेटअप्स की नहीं समझ में आती। ज़्यादातर देखने में बहुत ख़तरनाक लगते हैं, लॉन्च भी मतलब काफ़ी स्टेबल देते हैं, बट उतना पावर से, मतलब मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं किया था, मैं उतना पावर से लॉन्च भी नहीं कर पाता इनसे, बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फील देता पकड़ने में, और ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लॉन्च देता है। तो गाइस यही था आज के लिए, और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा लॉन्चिंग सेटअप सबसे अच्छा लगा। और मेरी तरफ से गाइस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।